नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि होंडा साइन में जो इंजन की आरपीएम है वो रुकती नहीं है, बंद हो जाती है। वो क्यों होती है, किस कारण होती है? देखिए, ये बंद हो जा रही है। अगर हम ज़्यादा इसको रेस कर रहे हैं, इसका आरपीएम ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, तो ये अपनी ट्यूनिंग पे ये रुकती नहीं है। देखिए, ये ज़्यादा हो गई, इसका जो एक्चुअल रुकना चाहिए वो रुक नहीं पा रहा है। देखिए, इसका आरपीएम कभी हाई हो जा रहा है, कभी लो हो जा रहा है। ये क्यों होता है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो इसके दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि इसका जो दो जेड होता है इसमें कार्बोरेटर में, स्लो जेड, स्लो जेड जाम हो जाता है, छोटा वाला जेड, उसके कारण भी होता है। और दूसरा, इसका जो स्लाइड है, स्लाइड में कार्बन जम जाता है, इस कारण भी होता है, वो स्लाइड एयर लेने लगता है। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका जेड खोल के देखूंगा कि वो जाम है या नहीं, उसके बाद मैं स्लाइड खोलूंगा। तो पहले मैं इसके लिए इसका ये ढक्कन खोलना पड़ेगा। ढक्कन खोलने के लिए मुझे ये कार्बोरेटर बाहर करने की जरूरत नहीं है। ये चैम्बर खोलने के लिए मैं इसे थोड़ा सा फोल्ड कर दूंगा और यहाँ से तीन स्क्रू लगाकर मैं खोल लूंगा। देखिए, एक ये स्क्रू और एक ये स्क्रू, दोनों लूज करके इसे थोड़ा हम फोल्ड कर लेंगे। अब फोल्ड करके यहाँ पर स्क्रू, तीन स्क्रू खोल देंगे। ठीक है, तो ये मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब मैं इसे तीनों स्क्रू को खोल लेता हूँ। इसे अगर आप खोल रहे हैं तो इससे पहले, सब खोलने से पहले इसका पेट्रोल ऑफ कर दें, जो टैंक से नीचे आता है कार्बोरेटर में। देखिए, ये बड़ा वाला जेड है और ये छोटा वाला जेड है, ये वाला देख रहे हैं, ये छोटा वाला जेड है, ये छोटा वाला जेड है, ये बड़ा वाला जेड है। चलिए, मैं छोटा वाला जेड को बाहर निकाल लेता हूँ स्क्रू ड्राइवर से। देखिए, छोटा वाला जेड है, ये स्लो जेड है। अगर ये जाम रहेगा तो इंजन आपकी अपनी आरपीएम पे खड़ी नहीं रहेगी, बंद हो जाएगी। और अगर ज़्यादा रेस करने पर ज़्यादा गन 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 करेगी आवाज़। तो इसे कैसे साफ करना है, ये देखिए, ये एक वायरिंग तार है, कोई भी आप पतला लोहे का भी तार यूज कर सकते हैं इस टाइप का। इसे हम इसके छेद में आर पार करेंगे और इसे क्लीन करेंगे। देखिए, ये वायर को आर पार, देखिए इसमें तार अंदर बाहर कर दिए हैं पूरा, ये जाम था है ना, ये फ्री हो गया। उसके बाद मैं इसे लगा लेता हूँ। आप इसमें फूंक के भी देखोगे ना तो हवा पास नहीं होगी, जाम रहेगी। तो मैं इसे फिटिंग कर देता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये चैम्बर को इसमें फिटिंग कर देंगे। अगर ये चैम्बर आपका गंदा है तो इसे साफ कर लेंगे पेट्रोल से, और अगर गंदा नहीं है तो ऐसे भी फिट कर देंगे। चलिए, मैं इसे फिट कर देता हूँ। अब मैं इसका स्क्रू लगा लेता हूँ, तीन स्क्रू। इसे फिटिंग करने के बाद ये स्क्रू जिसे मैंने लूज किया था इसे टाइट कर देंगे। उसके बाद मैं पेट्रोल खोलूँगा उधर से, क्योंकि मैंने पेट्रोल पाइप नहीं निकाला था तो लगा हुआ ही है, तो पेट्रोल खोलूँगा। चलिए, ये फिटिंग हो गई। अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बाइक को। बैटरी डाउन है, लात मारना पड़ेगा। सही हो गया। से लात मारना पड़ेगा। सही हो गया, ये अपना आरपीएम पे आ रहा है, ना आरपीएम होना चाहिए इसको। इसका स्लो जेड में ही
तकड़ा था, इसलिए ये तेल पास नहीं हो रहा था, इसलिए इसका ट्यूनिंग नहीं रुक रहा था। तो ये सही हो गया, यही प्रॉब्लम था इसमें। तो अगर आपकी भी बाइक में अगर ये प्रॉब्लम हो तो आप जेड स्मॉल जेड को साफ कर लें, वो सही हो जाएगा। नहीं तो स्लाइड में साइड साइड में कार्बन आ जाता है, उसे आपको क्लीन करना पड़ेगा पेट्रोल से या किरोसिन से साफ करके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।